नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें, रविवार 21 जुलाई सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये बैठक रविवार 21 जुलाई सुबह 11 बजे होगी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, 22 जुलाई मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ खबर आप तक पहुंच रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सत्र आ रहा है इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाना चाहता है। हमने पहले सत्रों में भी देखा था कि जब नीट को लेकर के विपक्ष ने काफी पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी, इसके चलते संसद में कामकाज भी नहीं हो पाया था एक दिन तक, और उसके बाद फिर जाकर के ये मामला उठा था। लेकिन अब एक बार फिर से कोशिश यही रहेगी विपक्ष की, नीट को लेकर अभी तक सरकार ने फैसला नहीं किया कि इसको दोबारा कराना है या नहीं कराना है, तो विपक्ष उस पर स्पष्टता सरकार से चाहेगा। और यही कारण है कि इस सत्र में भी वो इस मुद्दे को जोर शोर ढंग से उठाना चाहता है। इसीलिए सरकार ने, जो कि हर सत्र से पहले एक बैठक होती है सर्वदलीय बैठक, ये बुलाई है रविवार को सुबह 11 बजे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से बैठक बुलाई गई है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा तमाम अन्य जो दल हैं उनके फ्लोर लीडर्स भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो विपक्ष अपनी ओर से उन तमाम मुद्दों को गिनाएगा जिस पर कि वो मानसून सत्र में चर्चा करना चाहता है। लेकिन अमूमन होता यह है कि चूंकि ये सत्र है, इसमें बजट ही आना है और उसके तुरंत बाद बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार अन्य मुद्दों पर चर्चा की विपक्षी मांग पर किस तरह से विचार करती है। और इसी के साथ सरकार कई महत्वपूर्ण बिलों को भी इस सत्र में लाना चाहती है, तो ये विपक्ष और सरकार के बीच में आमराय बनाने की कोशिश होगी इस सर्वदलीय बैठक के जरिए, जिसमें कोशिश सरकार की यही होगी कि जो सदन का कामकाज है वो ठीक से चल सके। जी जी अखिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये बैठक रविवार 21 जुलाई को सुबह 11 बजे होनी है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुए भारी नुकसान के बाद से ही राज्य में ये चर्चा चल रही है कि क्या राज्य बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में ये बात और उभर कर सामने आई है। बैठक में राज्य की लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रदर्शन पर मंथन होना था, लेकिन विचार मंथन से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप इस बैठक में सुनाई दिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान तो खास चर्चा में है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया। केशव मौर्य के इस बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां भी बजाई, लेकिन इस बयान ने कई सवाल और कई चर्चाएं भी शुरू कर दी हैं। मैं सदा कहता था, इस प्रदेश कार्य समिति में संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले नाम है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद जहां पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं की हताशा दूर करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताकर कार्यकर्ताओं की तालियां भी बटोरी और साथ ही एक नई बहस भी छेड़ दी। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य महज कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये बयान दे रहे थे या फिर उनके बयान के पीछे कोई और संदेश छुपा है। इन चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में तो मध्य भारत में शून्य है, अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है, अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है, और अगर कोई सक्षम है मध्य में तो उसका उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है।
ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अति उत्साह ठीक नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं को ना हताश होने की जरूरत है और ना ही बैकफुट पर आने की। हमें इस बात याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री ने 2014 से 2022 तक की जीत का जिक्र करते हुए आगे के चुनाव की तैयारी की बात कही। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के संगठन और साथ साथ सरकार में बड़े पदों पर रह चुके हैं। सांसद और विधायक रहने के बाद वो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद का निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया हो। लगभग साल भर पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा ही बयान दिया। अगर केशव मौर्य यह कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है तो वो दो तरह के काम कर रहे हैं। पहला काम है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को वो आईना दिखा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं कि किस तरह सरकार ने संगठन की उपेक्षा कर रखी है। दूसरा, वो खुद संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में वो बता रहे हैं कि अभी भी संगठन से उनका किस तरह का लगाव है। फिलहाल केशव मौर्य के इस बयान के बाद राजनीति तेज है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार की वजहें तलाश रही भारतीय जनता पार्टी वजह पता चलने के बाद संगठन में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान उनके सरकार छोड़ संगठन में वापस जाने का एक संकेत है या फिर महज कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की एक कोशिश। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने मराठा ओबीसी आरक्षण मामले में शरद पवार को घेरने का प्लान बनाया है। इस कड़ी में एनसीपी नेता छगन भुजबल शरद पवार से मिलने अचानक उनके घर पहुंच गए। इस मुलाकात से राज्य के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। छगन भुजबल जब शरद पवार से मिलने अचानक उनके घर पहुंचे तो तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। सब भुजबल के बाहर आने का इंतजार करने लगे। भुजबल जब बाहर आए तो उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। अपनी इस मुलाकात की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सौहार्द की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इससे बाहर निकालने के लिए शरद पवार को आगे आने की जरूरत है। राज्य भर में जो है ये मराठा खिलाफ ओबीसी और पिछड़े जो है ये झगड़ा शुरू है। कई जगह पर जो है एक दूसरे के ऊपर बायकॉट कर रहे हैं। वो कहता है कि इसके होटल में नहीं जाएंगे, वो कहता है कि उसके शादी में नहीं जाएंगे, और कई जगह तो मारामारी जो है झगड़े फसाद हो रहे हैं। और हो सकता है ये अगर ऐसा ही बढ़ता जाए तो एक दिन जो है राज्य में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है आग जली हो सकती है, जाने जा सकती है। और फिर ऐसे हालत में मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है, ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे, अब ये सारे सवाल खड़े हुए हैं तो आपको जो है इसमें अगुवापन लेना चाहिए। छगन भुजबल और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात के पीछे बीते हफ्ते महायुति सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक बताई जा रही है। ये सर्वदलीय बैठक मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने बुलाई थी, जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया। रविवार को छगन भुजबल ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने शरद पवार के कहने पर इस बैठक का बहिष्कार किया। इस साल फरवरी में शिंदे सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर मराठाओं को 10% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन मराठा आंदोलन का झंडा उठाने वाले मनोज जरांगे पाटिल चाहते हैं कि जिस तरह मराठाओं को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया, वैसे ही उनके सगे संबंधियों को भी ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ ओबीसी नेता इस मांग का विरोध कर रहे और आंदोलन पर उतारू है। सरकार ऐसी मुश्किल में फंस गई है कि एक समाज को खुश किया तो दूसरा समाज नाराज हो सकता है। कुछ महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं।
ऐसे में सरकार किसी भी समुदाय की नाराजगी का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। भुजबल जी का पवार साहब को मामला सुलझाने के लिए कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक समस्याओं पर मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री हल नहीं निकाल पा रहे हैं। एक तरफ ओबीसी समाज तो दूसरी तरफ मराठा समाज के बीच दीवार खड़ी हुई है जिसे वो तोड़ नहीं सकते। ये सरकार की विफलता को दर्शाता है। दरअसल छगन भुजबल को शरद पवार के घर भेजने के पीछे महायुति गठबंधन का एक बड़ा दाव है। सत्ताधारी कई बार ये आरोप लगाते रहे कि मराठा आरक्षण की आग को भड़काने का काम पीछे से शरद पवार ही कर रहे हैं। ऐसे में अभी समस्या का हल निकालने की जिम्मेदारी शरद पवार के मत्थे ही डालने की कोशिश हो रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब होने को लेकर लगातार दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों में उनका वजन 8 किलो तक गिर गया है और शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा है। अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने उनकी सेहत को लेकर कुछ खुलासे किए हैं और आम आदमी पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जेल प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल का वजन 8.5 किलो नहीं घटा है। 2 जून को दोबारा जेल आने पर उनका वजन सिर्फ 2 किलो कम हुआ है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि वो जानबूझकर अपने वजन कम कर रहे हैं। वहीं तिहाड़ जेल प्रबंधन की रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि तिहाड़ जेल ने माना कई बार शुगर लेवल कम हुआ तो सोते वक्त कोमा में जा सकते हैं। शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वजन कम हुआ है। हाइपोग्लाइसीमिया के वो शिकार हैं। उनका वजन 50 से उनका 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 शुगर लेवल 50 से नीचे 5 बार आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये मामला अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में प्रताड़ित करने और उनके जीवन के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना करने की साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है, झूठ बोलो, अनर्गल आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, ड्रामा कार्ड खेलो, विक्टिमहुड कार्ड खेलो और डाइवर्ट करके निकल जाओ। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। और ये भी जो वजन मामूली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने, जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है, शायद इसीलिए, ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से मीठा खाना भी खाया जा रहा था ताकि शुगर लेवल को स्पाइक किया जा सके। वहीं विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर के माता पिता पर कथित तौर पर एक किसान को धमकाने का आरोप है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक पूजा खेटकर की मां मनोरमा खेटकर और पिता दिलीप खेटकर फरार हैं और उनका फोन स्विच ऑफ है। ट्रेनी आईएएस की मां का पिस्तौल लहराते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ। मनोरमा खेटकर और दिलीप खेटकर का पता लगाने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। स्थानीय अपराध शाखा की मदद से उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुणे और पुणे के बाहर खेटकर की कई संपत्तियों पर तलाशी अभियान चल रहा है। एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो गई है तो वहीं दूसरी टीम अहमदनगर गई है। वहीं प्रोबेशनरी आईएएस अफसर पूजा खेटकर ने आज कहा कि मीडिया के सामने कुछ नहीं कहूंगी, जो भी कहना होगा कमेटी के सामने कहूंगी। इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती, जो भी होगा मैं कमेटी के सामने करूंगी। आप जो भी कहेंगे मैं वही आपको फिर से कह रही हूँ कि इस इशू में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। द सिविल सर्विस रूल्स डू नॉट परमिट मी।
वहीं ड्रग्स तस्करी के मामले में मशहूर अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह के भाई और एक्टर अमनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद में नारकोटिक्स ब्यूरो और राजेंद्र नगर एसओटी पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में अमनप्रीत के साथ 4 नाइजीरियाई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स के मुताबिक ये गिरोह पिछले 6 महीने में करीब 2.5 किलोग्राम कोकीन हैदराबाद लाया था। इस मामले में 30 और लोगों की पहचान की गई है। और अगली खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक को साइबर ठगों ने 16.5 करोड़ का चूना लगाया है। 16 से 20 जून के बीच ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान आरटीजीएस चैनल को हैक कर 89 खातों में 16.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 17 जून को सेटलमेंट खाते के मिलान के दौरान बैलेंस शीट में करोड़ों का अंतर मिला। इसके बाद बारीकी से जांच करने पर पूरा मामला सामने आया। मामले की एफआईआर दर्ज हुई है। साइबर क्राइम थाने की पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई, जिसमें ये बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब करीब 16.5 करोड़ रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहला इंटरव्यू दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तो मर गया होता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने बचा लिया। गोली लगने के बाद भी मैं बोलना चाहता था, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने तुरंत अस्पताल जाने पर जोर दिया। साथ ही ट्रंप ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि अब तक देखी गई सबसे आइकॉनिक तस्वीर है। ट्रंप पर हुए हमले की जांच लगातार जारी है। एफबीआई हमले का मकसद जानने में जुटी हुई है। आज हमलावर मैथ्यू क्रुक्स के घर की तलाशी ली गई। बेथल पार्क में हमलावर के घर और कार दोनों जगहों पर संदिग्ध डिवाइस मिले हैं। एफबीआई की लैब में संदिग्ध डिवाइस की जांच जारी है। एफबीआई इसकी भी जांच कर रही है कि क्या कोई और भी साजिश में शामिल था। में एक दिन में 10,65,000 प्लांटेशन का विश्व रिकॉर्ड बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक पेड़ मां के नाम के तहत देश भर में 140 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। अडानी ग्रुप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए पर्यावरण के इस महाप्रयास में शामिल है। ग्रुप ने 2030 तक 10 करोड़ पौधे लगाने और उनके संरक्षण का लक्ष्य रखा है। इंदौर में धरती की हरियाली की खातिर एक भगीरथ प्रयास हुआ, जिसमें समाज के हर हिस्से के लोग साझेदार बने। 12 घंटे में 12,65,000 पौधे लगाए गए। इंदौर ने प्रदेश, देश और दुनिया के सामने धरती की रखवाली की अनूठी मिसाल पेश की। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। पहले से ही देश के सबसे स्मार्ट शहर ने ग्रीन सिटी की ओर कदम बढ़ा दिया है। इंदौर और पूरे एमपी को हरा भरा बनाने के लिए इस प्रयास में अदाड़ी ग्रुप भी सहभागी है। पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए आज 11 लाख पेड़ यहाँ बोए जाने हैं। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी माँ को और धरती माता को दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। आज से इंदौर एक पेड़ माँ के नाम के वृक्षारोपण के नाम से देश भर में जाना। इंदौर स्मार्ट सिटी तो बन ही गया था, मेट्रो सिटी भी बना, क्लीन सिटी भी बना, मॉडर्न एजुकेशन का हब भी बना और अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा, इसका हम सबको आनंद।
ये तो अभी शुरुआत है। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ मिशन ग्रीन अभी और रफ्तार पकड़ने वाला है। पृथ्वी को रहने लायक बनाने के इस मिशन में अदाणी ग्रुप भी भागीदार है। ग्रुप ने इसके लिए मध्य प्रदेश को 11 लाख पौधे अपनी तरफ से मुहैया करा रहा है। ये पौधे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे प्लांटेशन के लिए हैं। दरअसल एमपी सरकार ने इस अभियान के तहत 5.5 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य रखा है, जबकि पीएम ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत देश भर में 140 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। मयादाड़ी ग्रुप ने 2030 तक देश भर में 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को अपने लिए रखा है। अदाणी ग्रुप ने अपने इसी लक्ष्य के तहत मध्य प्रदेश में जारी मौजूदा प्लांटेशन मुहिम में 11 लाख पौधे देने का फैसला किया। अदाणी समूह ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रिलियन ट्रीज प्लेटफॉर्म 20.org पर साल 2030 तक 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। ये संकल्प 20.org पर अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताओं में से एक है। अदाणी ग्रुप पहले ही करीब 3 करोड़ पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प ले चुका है। कोशिश धरती को हरा भरा बनाकर उसके सौंदर्य में 4 चांद लगाने की है। पर्यावरण को इंसानी एजेंडे में प्राथमिकता दिलाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।